अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुबल का किचन। आज हमारे किचन में बन रही है शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो चिकन ली है मैंने और मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। सारे चिकन हमने डाल दिए है, अब हम चिकन को इसको फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के अंदर। जब चिकन कलर चेंज कर देगी तो फिर हम इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने देसी घी लिया है और जिसे मैंने ऑयल गरम कर लिया था। देसी घी में हम ये बनाएंगे और ये कढ़ाई मेरे पास अवेलेबल ये और ये कढ़ाई मेरे पास थी नहीं, मैंने एक रेस्टोरेंट से ये कढ़ाई मंगवाई है ख़ास तौर पर शिनवारी कढ़ाई के लिए। देखिए हमारी चिकन ने कलर चेंज कर दिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये फ्रेश है, मैंने कूट लिया था तो अब हम इसमें ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं तकरीबन इसमें हाफ टी स्पून नमक डालूंगी और हाफ टी स्पून से भी कम, देखें कितना, हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा बस एक चुटकी नमक है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बाकी बाद में हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए ये मैंने अच्छी तरह भून लिया है, हमारा लहसुन का पेस्ट भी भून गया है अच्छी तरह। अब ये मैंने तीन अदर टमाटर लिए हैं जो मैंने ऐसे इसको बीच में से कट कर लिए हैं ये देखें, और अब हम इसको ऐसे पलट पलट के टमाटर इसके अंदर रखते जाएंगे। मैंने तीन अदर इसके अंदर टमाटर के लिए थे मैंने इसके अंदर रख दिए, ठीक है। अब टमाटर के पानी से ही टमाटर जो पानी छोड़ देंगे, हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, टमाटर जो पानी छोड़ेंगे ठीक है हम इसको फ्राई करेंगे। तो हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर छिलका छोड़ देंगे फिर हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो हम इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए मेरे पास 5 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटरों ने छिलका छोड़ दिया है, अब हम ये सारे छिलके इसमें से उतार लेंगे। सारे छिलके हम इसके ऊपर से एक एक करके उतार लेंगे। देखिए मेरे पास मैंने सारे टमाटर का छिलका इसमें से निकाल लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और सारे मसाले भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये कुटा हुआ भुना हुआ जीरा है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है साबुत धनिया, ये भी भून के मैंने इसको रोस्ट करके और इसको दरदरा सा इसको कूट लिया है, धनिया और ये जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने दही रखा हुआ था हमारा, ये दही हम चूल्हा बंद करके चूल्हे को हम बंद करेंगे, पहले फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा दही। ये दही है हमारा 2 टेबल स्पून, हमने इसके अंदर दही लिया है, दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं डालें, लेकिन मुझे दही अच्छा लगता है तो मैं इसके अंदर दही को ऐड कर रही हूँ। हमारी चिकन टमाटरों के पानी से अच्छी तरह गल गई है और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और आपको भी इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है, इसको आपने ऐसे ही बनाना है। दही डाल दिए हमने इसके अंदर, अब हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करके हमें इसको भूनना है तकरीबन 5 मिनट। देखिए व्यूअर्स हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है और हमारी कढ़ाई अच्छी तरह भून गई है, अब हम इसमें लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था तो हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और अब हम इसमें 100 ग्राम मक्खन डालेंगे। मक्खन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे गोल मिर्चें डाल देंगे और ये हमारी हरी मिर्चें,
ढककर हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। भाई चिकन कढ़ाई तैयार है, ढक के इसको पकाएंगे 5 मिनट तक, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।